Hey guys, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डॉम्स और कैमल का प्लास्टिक क्रेंस कलर। ये काफी बढ़िया कलर आते हैं, क्रेंस कलर बच्चे काफी यूज करते हैं। आज हम प्लास्टिक क्रेंस का कंपैरिजन करने वाले हैं, कितनी इसकी एमआरपी है, कौन कौन सा सामान इसमें देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉम्स की कितनी एमआरपी है और इसमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो एमआरपी है वो 60 रुपीज है और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या निकलता है। यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा, सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाता है डॉम्स का नियोन इरेजर। ये एक अच्छा इरेजर होता है, इसको रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक रखा हुआ सेफ्टी के लिए। इसके बाद इसमें देख लेते कितने कलर है। ये सब कलर आप देख सकते हो, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। इसमें 14 कलर का सेट दिया हुआ है जो कि काफी बढ़िया बढ़िया कलर दिए हुए है। इसी के साथ इसके अंदर दो कलर जो है वो है गोल्डन और एक ये है सिल्वर। ये दो कलर जो है थोड़ी ग्लिटर बेस पे बनाए हुए है जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं देखने से। चलिए मैं इसको यूज करके भी देख लेता हूँ और शुरू करते हैं इसकी पेंटिंग, इसका रिजल्ट कैसा है। एक ले लेते ब्लैंक पेपर, यहाँ से आप देख सकते हो ये मैंने यूज किया। इसमें शाइनिंग, थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है जो देखने में काफी बढ़िया लग रही है। इसके बाद ये है गोल्डन कलर, ये डॉम्स का कलर है, इसको भी यूज कर लेता हूँ। ये भी शाइनिंग हो रहा जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद बाकी के जो कलर है वो तो नॉर्मल कलर है, इसको हम रखते हैं अब साइड में। इसके बाद देख लेते हैं कैमलिन का, ये है कैमल का प्लास्टिक क्रेंस कलर। इसकी जो एमआरपी आप देख सकते हो इजीली 60 रुपीज इसकी एमआरपी है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक शार्पनर जो कि एक स्मॉल साइज का शार्पनर है। इसके साथ इसमें और कितने कलर है वो भी देख लेते हैं। ये है 12 पीस का सेट है और एक गोल्डन कलर दिया हुआ है, यानी ये 13 कलर का पूरा सेट है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से कलर है। ये सब इसमें कलर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ये है गोल्डन, ये भी शाइनिंग वाला है, और सेकंड कलर है ये भी शाइनिंग वाला है, ग्लिटर वाला कलर है जो कि सेम कलर डॉम्स में भी दिया हुआ है और कैमलिन में भी दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं कैमलिन में एक कलर कम है। अब वो कौन सा है मुझे कंपेयर करके देखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे रखते, इसके बाद इसको भी हम यूज करके देख लेते। सबसे पहले हम यूज करते हैं ये सिल्वर कलर, इसको मैं यूज करता हूँ डॉम्स के सामने। इसमें भी सेम डॉम्स का जैसे ही रिजल्ट लगा, मुझे कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। इसके बाद गोल्डन कलर, चलो इसको यूज करते हैं। कंपैरिजन करा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो डॉम्स से कहीं ज्यादा रिजल्ट मुझे कैमल कलर में लग रहा है। तो ये है डॉम्स और कैमल का कंपैरिजन सेटअप। कैमल में 13 कलर दिए हुए टोटल और डॉम्स में 14 कलर दिए हुए हैं, लेकिन 13 कलर दोनों में सेम है और डॉम्स में एक कलर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है जो कि कैमल में नहीं है। कैमल में एक शार्पनर देखने को मिल जाता है, ये एक स्मॉल साइज का शार्पनर है, और डॉम्स में एक स्मॉल साइज का इरेजर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। कैमल से बड़ा डॉम्स का है और डॉम्स में थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग भी दी हुई है, और इसकी फिनिशिंग की अगर बात करें तो मुझे जो फिनिशिंग है वो डॉम्स की बेहतर लगी, लेकिन जो रिजल्ट है मुझे वो कैमल का बेहतर लगा। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।